आज की इस वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज मैं खेलने वाला हूँ ये सिक्योरिटी टावर। जैसे ये इजी, मीडियम, हार्ड और इंसान, ये चार हैं जिसको मुझे क्लियर करना है। तो क्या मैं इसे क्लियर कर पाऊँगा तो देखते हैं। और नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे जल्दी से दबा कर लाल से ग्रे कर दो यार, अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। और जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो देखते हैं हम लोग को क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं इन सारे टावर को क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे 3 बेड और 5 डॉट और 15 ब्रेड दिए। ये शायद डैमेज जाए तो फूड रिकवर करने के लिए, और ये बाकी सारी काम के, ये शायद चेक पॉइंट के लिए। और एक आर्मर दिया है आयरन का। तो ओके चलते हैं। और ये लगा तो मेरे ख्याल स्टार्टिंग डॉट से होगा। तो देखते हैं डॉट में कोई रास्ता है, कोई मिले। हाँ ये रहा, यहाँ से गेम स्टार्ट है। और वो देखो यहाँ पर 2 गार्ड्स हैं। ये तो हॉगलिन को तो यहाँ पे गार्ड बना कर रखा है। और अरे ये हमें मार सकते हैं, इससे एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा पार्कोर है, स्टार्ट यहाँ से करना है मेरे ख्याल से। यहाँ से तो नहीं होगा, इनसे अलर्ट रहना पड़े। अरे ओ भाई ये तो छोड़ने वाले नहीं है लग रहा। चलो जल्दी से इसे पार्कोर को कंप्लीट करते हैं। और ये तो बहुत इजी पार्कोर है। वैसे भी मैं पीई में खेल रहा हूँ इसलिए पार्कोर थोड़ा हार्ड होता है पीई में। पीई यानी मोबाइल। ओके मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और वहाँ ऊपर तो देखो ट्री है, वो भी ग्रास ब्लॉक के ऊपर। तो देखिए देखते हैं आगे चल गया। और यहाँ तक तो आ गया। अभी तक तो ये लोग उतना डिस्टर्ब नहीं किए, बस शुरू में थोड़ा सा डैमेज दिए थे। ओके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ये सच में वेरी इजी था। और मैं गया। अरे यार ये लोग भी, अब जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। एकदम फाइनल था, मैं गिर गया। ये 1 ब्लॉक का जंप है इसलिए मैं कर सकता हूँ, ये इजी है। ये लोग भी, चलो हो गया। अब देखते हैं ऊपर चल के कि ऊपर क्या है। यहाँ पर एक चेस्ट मिला है जिसमें से एक स्वॉर्ड मिला है। ओके एक स्वॉर्ड मिला। अभी स्वॉर्ड का क्या करना है, यहाँ से एक रास्ता और कहीं तो जा नहीं सकता। और मुझे इसमें एक भी ब्लॉक नहीं ब्रेक करना है। ओए बच गया मैं अभी। तो शायद अब मुझे इस पर जंप करना है, और अब उस पर। ओ एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ओके वहाँ पर प्रेशर प्लेट है जिस पे मुझे नहीं जाना है, एकदम आराम से अलर्ट रहकर। ओ बच गया। इस प्रेशर प्लेट में इसमें क्या है, एक बटन मिला है। और भाई जॉम्बी इसके एग, मैं बच गया। उस पे मैंने पैर नहीं रखा, बच गया। और आगे चलते हैं। ओ इस बटन को शायद मुझे यहाँ लगाना है, और खुलिए हम लोग का अगला लेवल। ओके ये डायमंड वाला है, मैंने उस वाला क्लियर कर लिया। शॉर्ट की मुझे शायद जॉम्बी, अरे बाप रे, अरे ओ भाई ओ भाई, इसके पास स्वॉर्ड है, इसके पास स्वॉर्ड है, मैं इससे नहीं लड़ सकता था। अचानक आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला वहाँ पर जॉम्बी है। ये थोड़ा हार्ड है, उसे जल्दी से पहले मारना पड़ेगा। अभी पूरा डायमंड का आर्मर पहन रखा है। जल्दी से पहले हेल्थ रिकवर कर लेते हैं। तो मेरा थोड़ा हेल्थ रिकवर हो चुका है, लेकिन इसने कहा था बेड है हम लोग को दिया है रिस्पॉन पॉइंट सेट करने के लिए, तो मैंने यहीं पर कर दिया। और वो जानता था कि मैं उसमें से निकालने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर पूरा एक डायमंड आर्मर के साथ एक जॉम्बी है। ओके थोड़ा सा और हेल्थ बचा है। तो भाई साहब वो पता नहीं किधर चला गया, पर हम लोग को क्या, अरे तो कोई छत है, चलो हम नीचे चलते हैं। क्या मैं मरूंगा, नहीं। अरे यार यहाँ पर जॉम्बो, इसका नाम है। ओ भाई इसका स्पीड स्लो हो जा रहा है, इस पर मुझे इसे जल्दी से मारना पड़ेगा।
बस ये मरने वाला है। पूरा आर्मर पहन कर आया है गया। और इसमें हम लोग को पूरा डायमंड का आर्मर हुए फुल्ली अपग्रेड, ज़्यादा अपग्रेड नहीं है। चलिए जल्दी से पहन लेते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट भी कर सकते हैं, तो मैं अपना ये दूसरा आर्मर यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप कर दिया, ओके। अब देखते हैं, तो यहाँ पर एक टारगेट है, और क्या मैं इस प्रेशर प्लेट पर चढ़ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही दिया सा है। तो एक बार ट्राई करते हैं। अरे यहाँ पर तो एक चेस्ट आ गया, और इसमें क्या है, बो एंड एरो। ओ मैं समझ गया, मुझे वहाँ पर टारगेट करना है, टारगेट पर। तो देखते हैं, कुछ गिरा यहाँ पर, क्या गिरा है, बटन। यानी पिछली बार, ओ एकदम बीच में टारगेट गया था। पिछली बार लग रहा है हम लोग को बटन से डोर खोला था, वही डोर के लिए शायद कोई बटन मिला। तो अभी जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। मेरा एरो भी वापस मिल गया। हाँ अब मैं यहाँ, ओके ये ब्लॉक जंप इम्पॉसिबल है, जिसके लिए मुझे इस बटन को दबाना पड़ेगा। ओके अब हो जाएगा। ये ब्लॉक भी है ऊपर से जो डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे इसमें पैर नहीं डालना लावा में। ओके ये थोड़ा हार्ड है, बीच में ब्लॉक आ रहा है, ये मुझे स्पीड में करना पड़ेगा। हाँ एक बार सही से कर लेते हैं। ओके तो मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ। मैंने ये सीन कट कर दिया, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम लगा था करने में, और अब आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर ब्लॉक आ जा रहे हैं, वहाँ पर दो ब्लॉक और यहाँ पर एक ब्लॉक। तो देखते हैं इसको क्या करके हम लोग बच सकते हैं। मैं बचाऊँ, यहाँ पर विदर स्केलेटन है। ओ भाई ये भी मुझे मार सकता है, गया। इसने खोल दिया और मुझे पॉइजन दे दिया है विदर। थोड़ी देर के लिए जल्दी से पॉइजन को ख़त्म हो जाने का, और ये वाला पार्कोर भी करते हैं। ओके मैं, ओ मैं गिर गया। अच्छा यहाँ पर दिया है ये लैडर्स, ओके मैं साइड से आ गया। अब मैं ये पार्कोर करता हूँ, वही बच गया। ये तो दो गो एक साथ है, डबल। ओ मैं कर भी छूट गया। एक बार और ट्राई कर लेते अच्छे से। मुझे फिर से वही हुआ, इधर मुझे एकदम सही से करना पड़ेगा। हो गया, मैं नीचे गिर गया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट चांस में ही मैं गिर गया। एक बार फिर ट्राई करते हैं अच्छे से। ओके मैं आ गया यहाँ तक, थोड़ा सा। ओके अब मैं कर लूँगा। हो गया। ओके अब मुझे शायद ये लैडर चढ़ना है, ये थोड़ा सा हार्ड नहीं है, इजी था। और अब मुझे इसके ऊपर जाना है, रिस्पॉन पॉइंट सेट भी कर सकता हूँ। ओके चल गया, रिस्पॉन पॉइंट सेट। यहाँ पर चेस्ट था जिसमें से मिला एक स्वॉर्ड, एक और डायमंड का स्वॉर्ड, और फूड मिल चुका है, और इसका अब तक यूज़ नहीं हुआ। ओके मैं यहाँ पर लैडर दिया, इसके ऊपर से मैं चढ़ गया। फिर से एक पार्कोर, वही पार्कोर बहुत दे रहा है। पहले इस चैलेंज को मुझे कंप्लीट करना है, ये थोड़ा सा हार्ड था। ये देखा तो जैसे एक ब्लॉक में किया जा सकता है, एक जंप सिंपल सा नहीं किया जा सकता बिना दौड़े। ये थोड़ा अच्छे से स्पीड में करना पड़ेगा। हो गया और हो गया। या मुझे जाना उस चेस्ट के ऊपर,
या फिर उसके ऊपर, तो मैं चेस्ट के ऊपर जाता हूँ। ओ भाई ये सब चीज़ दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्लॉक आ रहा है, मुझे एक ब्लॉक दिया था शायद इसी जगह पर उसका यूज़ करना है। तो क्या मैं इसको एक ब्लॉक बढ़ा सकता हूँ, बाकी ब्लॉक ले लेता हूँ क्योंकि मैं ये चीटिंग नहीं कर रहा। ये 5 ब्लॉक दिया था जानबूझकर, तो मैं एक बार फिर से इसी चीज़ को करता हूँ। भाई मैं 5 करा गया। अब इसी चीज़ को फिर से करते हैं एक बार ठीक से। ओके मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, मैं गिर गया। फिर से करते हैं। ओके मैंने कर लिया, जल्दी से चलते हैं ऊपर। यहाँ पर एक बेड है। ओके तो मैं सेट करूँ। यहाँ पर 3 चेस्ट है, क्या मुझे इनमें से एक 1 चूज करना है? तो मैं इसको चूज करता हूँ। इसमें से मिले ब्लेड कैन प्लेस ऑन एमरल्ड ब्लॉक। मैं सर्वाइवल में हूँ इसलिए ये सिर्फ बता रहे ना, तो मैं इसको कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। ओके तो ये इसमें और फूड दे दिया और इसमें लैडर प्लेस ऑन एमरल्ड ब्लॉक। तो क्या मुझे इन दोनों को एमरल्ड ब्लॉक पर प्लेस करना, तो किसको कहाँ करना है तो बताया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एमरल्ड है और यहाँ पर भी है। शायद मुझे इसी दोनों जगह प्लेस करना है। एक मिनट, क्या मैं इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर प्लेस करके यही करना है, ऐसे करके मैं जंप करके जा सकता हूँ। और ये रहा बटन जो मुझे मिला था, तो क्लियर हो गया। ओ भाई ये तो थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसने बॉर्डर ही नहीं बनाया है। तो मुझे अलर्टली से जाना पड़ेगा आराम से। एक मिनट, यहाँ तो 2 ब्लॉक्स हैं, शायद एक डॉट यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर भी यूज़ होगा। 2, 3 मैंने सारे डॉट को यूज़ कर दिया। ओके इसीलिए था ये सारा डॉट। और ओ भाई ये थोड़ा हार्ड था, एकदम तगड़ा सीन। ओके मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक पिस्टन है। ओ भाई ये मुझे उछल रहा है, तो शायद मुझे उस पर जाना है। ओके पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ओके मैं आ गया और अब चलना है उस पर। यहाँ पर चेस्ट है एक पर मैं ले नहीं सकता। ओके तो यहाँ पर है एरो, मुझे लग रहा है सिर्फ इस पर प्लेस करना अपने आप को, सिर्फ एमरल्ड पर, वरना मुझे डैमेज होगा। ओके ओ भाई, ओ भाई यही होने वाला है। ओ भाई साहब क्या तगड़ा मार रहा है ये लोग। बच गया बच गया। और एक वहाँ पर है, ऐसे करके मुझे जाना है। भाई साहब मेरे पास डायमंड का आर्मर है, इसलिए सोचो मैं बचा हुआ ना, बचने वाला हूँ नहीं। ओके पहले फूड खा लेते हैं जल्दी से, चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ देख रहे हो, ओ बच गया बच गया। यहाँ पर बहुत अंधेरा है। ओके यहाँ पर तो रास्ता बंद है। यहाँ पर प्रेशर प्लेट है, इसमें क्या है देखा जाए तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर टॉर्च लगा। ओके ये एक मेज़ है छोटा सा, ये ओके यहाँ से रोशनी आ रही। इसमें क्या है, ज़ॉम्बी फाइट कर ही लिया जब क्या है। प्रॉब्लम क्या था इसीलिए मैंने फाइट कर लिया। चलो अब ऊपर चलते हैं। कि एक और मेज़, यहाँ पर एक चेस्ट है, यही था वो चेस्ट, मैंने इसे ओपन कर लिया। और अब देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर एक बटन है, कुछ तो हुआ, एक बार अच्छे से देख लिया जाए। इसमें कोई प्रेशर प्लेट तो नहीं। यहाँ स्टेयर्स दिया और यहाँ पर
ओके मुझे इसके ऊपर जाना है, समझ में आ गया। और ये ब्लॉक एक ब्लॉक, ओ मुझे समझ आ गया, मुझे यहाँ से जाना है, इसे दबाना है, पहुँचना है, इसके ऊपर आना है और पहुँच गया। ओ भाई साहब ये देखो पूरा मेज, मैं पहुँचने वाला हूँ, जस्ट एकदम उसके क्लोज हूँ, मैं आ गया। और ये एक छोटा सा पार्कोर है, ये तो वेरी इजी है, लेकिन अगर मैं गिरा तो मरूंगा तो नहीं, पर गिरना नहीं है से। ओके यहाँ से एक और बटन मिल चुका है, इसको मुझे लगाना है यहाँ पर, और ये गेट अब ओपन हो जाएगा। ओके मुझे वहाँ पर जाना है, और आ गया और ओपन। ओके ये भी एक पतली सी लाइन है, यहाँ पर मुझे ग्लास, ओके यहाँ पर है स्लाइम, लेकिन एकदम सावधानी से बच गया थोड़ा सा भी। मैं ओ मैं इंसान वाले में आ गया, सुपर हार्ड वाला, तो इसमें थोड़ा सा हार्ड, बाकी सब तो इजी था। ओके मैंने ये ओके यहाँ से पर भी एक छोटा सा पार्कोर है शायद, बहुत पतला है, तो मुझे इस पे जाना है, फिर इस पे एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इस पर आ गया, ये एक ये है, पहुँच गया। और ओके यहाँ से फिर उतरना है, तो क्या मैं ऐसे, ओ भाई साहब मुझे गिरना ही नहीं पड़ा। एक मिनट, मैं यहाँ डायरेक्ट भी तो आ सकता था, नहीं ये मुझे शायद रोकता, या फिर मैं आ सकता था, तो अब मुझे इस पे नहीं गिरना है, वरना ओके यहाँ पर एक चेस्ट है जिसमें से और ब्रेड, ना तो मैं गिरा तो डायरेक्ट ट्रैप हो जाऊँगा। यहाँ तक आ गया, पर मैं ये जंप कैसे करूँगा, ये थोड़ा हार्ड है, बट ट्राई करते हैं। और ओ भाई दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, मैं दोबारा से तो आ चुका हूँ, अब देखते हैं इस बार भी जंप होता है या नहीं। ओ भाई थोड़ा सा बच गया, मैंने दिखाया तो नहीं, पर ये रियली में बहुत हार्ड था, लेकिन मुझे कई चांस लगे और मैं स्किप करके वीडियो भी नहीं दिखा सकता, इसीलिए डायरेक्ट मैंने मतलब स्किप कर दिया। पर अब इसके ऊपर जाना है, यहाँ से मुझे क्या करना है, ओ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर जंप नहीं कर सकता, तो करना क्या है, क्या मैं इस स्लाइम की वजह से डायरेक्ट उस वॉल को क्रॉस कर सकता हूँ, ट्राई करते हैं। एकदम इसके क्लोज ही पर है इसलिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, लगा यार बड़ी तेज का। ओके मैंने बेडी ब्रेक कर दिया, एक बार और ट्राई करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर दोबारा से आ चुका हूँ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, मेरा एच पी भी थोड़ा रिकवर हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर आना है। हो गया भाई, हार्ड था पर मैंने कर लिया, अब इसको रिस्पन पॉइंट सेट कर दिया, चलते हैं अब आगे। ये भी एक पार्कोर है लेकिन इस लाइन का, इसमें क्या हार्ड है, ओ ये अच्छा अटक रहा है, और अगर मैं जंप करूं तो जंप होता रहेगा, तो ये मेरा जंप नहीं करेगा, मुझे इसके रुकने का वेट करना होगा। ओके ओ भाई मुझे ढकेल रहा था, ओ बच गया दोबारा से। मैं बैठ जा रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक मतलब तुरंत रुक जा रहा है, वो नहीं जंप करता रह रहा तो मेरा जंप नहीं हो रहा है। ओ भाई मैं यहाँ तक आ चुका था, ओके तो मैं दोबारा से यहाँ तक आ चुका हूँ, कितना बार मैं गिर चुका हूँ नीचे, और अब चलते हैं आगे। ओ भाई मैं बैठ गया बस, और ये एक लास्ट जंप है शायद 3 ब्लॉक्स का, तो ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। ओ मैं गिर गया, करने के बाद भी अब दोबारा से करना पड़ेगा। ओके तो मैं यहाँ पर दोबारा से आ चुका, वो बच गया बच गया, अब मुझे इस लैडर पर चढ़ के उस पर जाना है। ओके तो मैं बच गया, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा यार, तो मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ, जल्दी से पहले फूड खा लेते हैं, अब मैं बैठ कर जाने वाला हूँ इस साइड। ओके आ गया, और अब मुझे जाना है इस पर, आ गया ये है,
ओके, तो मैं ये क्या करूँगा, ये ब्लॉक से मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ पर माइनक्राफ्ट मिला, ओह समझ में आ गया। पहले मुझे इस माइनक्राफ्ट को यहाँ पर प्लेस करना है, फिर उसे थोड़ा सा पुश कर कर उस पर बैठ जाना है। ओ भाई क्या हुआ, ओके वो वहाँ जाकर रुक गया। तो मेरे पास और माइनक्राफ्ट तो है, तो मुझे ये काम जल्दी से करना पड़ेगा। ओ भाई साहब ये वापस आ गया, मेरे पास 3 ही माइनक्राफ्ट बची हुई है। ओके मैं गया, दोबारा से करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास बस यही बची है माइनक्राफ्ट, तो इसको भी जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख के इसके ऊपर चढ़ के जंप करके कुछ नहीं फायदा, तो मुझे लग रहा है इसे पुश करना है पहले हल्का सा। के मैं मरने लगा था नहीं, ओ भाई एक लास्ट माइनक्राफ्ट बची है जिसको मुझे सही से करना पड़ेगा वरना क्रिएटिव मोड। तो मैं यहाँ पर आ चुका और ओके मैंने ये कर लिया, नहीं मैं नहीं कर पाया। पहले मैं कुछ खा लेता हूँ जल्दी से, मैं कम से कम इस पर बैठ गया, मुझे इसे आगे पुश करना है। ओ भाई साहब अब मुझे इसे कैसे भी करके उधर लाना पड़ेगा, तो जल्दी से कर। तो देखो मैंने इसको कर तो दिया और मेरे पास एक आइडिया है, मैं बैठ कर डायरेक्ट इसे आगे की तरफ पुश कर कर जा सकता हूँ। लो मैं आ गया डायरेक्ट उसकी अपोजिट साइड। ओके तो अब मैं यहाँ पर हूँ, इसके बाद क्या करना है, ओ मुझे यहाँ पर जंप करना है और इसके बाद यहाँ पर ये जंप थोड़ा सा हार्ड है और मैं बच गया। बची एक बार और ट्राई कर ले। तो मैं दोबारा से गया, पर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, तो मेरे पास एक माइनक्राफ्ट इन्वेंटरी में पड़ी हुई थी, तुम लोग थोड़ा पीछे कर देख सकते हो। और मेरे पास एक ये भी रास्ता कि मैं डायरेक्ट वहाँ से जंप करूँ और इसको कैच कर लूँ, क्योंकि मैं इसको भी कैच कर सकता हूँ और वैसे भी मैं PE में हूँ तो इसको थोड़ा हार्ड है। तो अब मुझे जल्दी से यहाँ पर जंप करके फिर से तो मैं यहाँ तक तो आ गया इस सीढ़ी को चढ़ के, मैंने इसे भी स्किप कर दिया। कुछ लोग को लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की, और भी कई जगह स्किप कर चीटिंग की है, पर नहीं मैंने चीटिंग नहीं की है, इसी चीज़ को करने में ना मैंने बहुत मेहनत लगी है। मैं 2 बार मर चुका हूँ, नीचे मेरा सामान भी जा चुका है। तो मुझे ऊपर जाकर एक चेस दिखा, इसमें नेदरराइट की स्वॉर्ड है, मेरे पास डायमंड की स्वॉर्ड और क्या लिखा है, किल द गोलम एंड विन द मैच, मतलब हम लोग जीत गए। तो इनका नाम है बॉसेस, तो जल्दी से इन्हें किल कर देते हैं। ओके ये बहुत जल्दी मरेगा, गया। जल्दी से किल कर देते हैं, एक और बचा है और हम लोग विन कर लिए मैच। कितना आयरन दिए, 13 तीनों का मिला के। ओ भाई तो हम लोग ये मैच पूरा जीत चुके हैं और मैंने ये पूरा सारा टावर क्लियर कर चुका है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैंने सारा लेवल क्लियर कर चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दबा दो यार, जिसने भी अब तक दबाया नहीं उसे जल्दी से लाल से ग्रे बना दो, रेड से ग्रे, तो जल्दी से दबा दो। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं, जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।